भगवान बुद्ध ने पूरी दुनिया को अहिंसा का मार्ग दिखाया। अपने तरीके से चल रहे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने लाखों अनुयायियों के साथ धम्म की शुरुआत की। इस धम्म चक्र को गति देने के उद्देश्य से ऐतिहासिक धम्म यात्रा का आयोजन किया गया है। इसका नेतृत्व थाईलैंड के भिक्कु संघ द्वारा किया जाएगा। सिद्धार्थ गौतम सीरियल में बुद्ध की भूमिका निभाने वाले अभिनेता गगन मालिक ने इस ऐतिहासिक घटना के लिए अपना समर्थन जताया है। पत्रकार वार्ता में धम्म यात्रा के मंच व उद्देश्य पर चर्चा की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इसलिए ली जा रही है क्योंकि हमारे जो बड़े भंते थाईलैंड से जो संघ आई है वो 100 लोगों को यहाँ पर श्रामनेर बनाने वाले हैं। कल 5 मई को डॉक्टर बाबा साहब सांस्कृतिक हॉल में यहाँ पे नागपुर में श्रामनेर बनाने के बाद उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और उपसंपदा दी जाएगी ताकि वो भिक्खू बन सकें। वेनुवन में नागपुर से उनको पहले राजगीर लेके जाया जाएगा, राजगीर से वेनुवन, वेनुवन में उपसंपदा दी जाएगी, वहाँ से पैदल उनको बोधगया लेके जाया जाएगा। वॉकिंग वो पहली धम्म यात्रा होगी 3 दिन की। 3 दिन वो बोधगया में एक्टिविटीज़ करेंगे और वहाँ पर थाई मोनेस्ट्री में रहने वाले हैं, राजगीर में भी और बोधगया में भी। बोधगया से वो बस से जाएंगे, सारनाथ जाएंगे, वहाँ पर 2 दिन रहेंगे थाई मोनेस्ट्री में, वहाँ पर पूरी धम्मा टीचिंग्स लेंगे। सारनाथ से ये जाएंगे श्रावस्ती, श्रावस्ती में 3 दिन रहेंगे, वहाँ पर भी धम्मा टीचिंग्स रहेंगे, सीखेंगे, और श्रावस्ती से फिर धर्मशाला जाएंगे। धर्मशाला इनकी टेंपल की, नए टेंपल की ओपनिंग है जिसमें दलाई लामा जी भी, वहाँ के सीएम भी और जो भी बड़े लोग हैं, जो भी बड़े गुरु भी हैं, वो भी सब वहाँ पर शामिल होंगे। पहले 10 दिन धर्मशाला में रहेंगे, वो सब सीखेंगे वहाँ पर, फिर उसके बाद 35 दिन की पैदल धम्म यात्रा जो है उनकी 600 किलोमीटर की धर्मशाला से लेह लद्दाख जाएगी। लेह लद्दाख पहुंचने के बाद 1 हफ्ता वहां पर रहेंगे। वहां पर 1 हफ्ता रहने के बाद 23 जुलाई के करीब उनको चीवर हटाया जाएगा। जो नहीं हटाना चाहते वो वहां रुक सकते हैं लेह लद्दाख में, धर्मशाला में या फिर बोधगया में, कंटिन्यू ये चीज़ को लेकर कर सकते हैं। ये करने का एक ही पर्पज़ है। जो बताएं कि हम धम्म यात्रा आखिर हम बुद्ध की धरती से कर रहे हैं तो इसका क्या पर्पस है, उद्देश्य है, इसका क्या मैसेज जाएगा लोगों में, इस देश में, इस दुनिया की, इस दुनिया देश की। इस अवसर पर फिल्म फेयर पुरस्कार विजेता अंकुश गेदाम को बुद्ध की मूर्ति और फूलों के गुलदस्ते से सम्मानित किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन सिद्धार्थ फाउंडेशन की ओर से कांग्रेस नेता अंभोरे द्वारा किया गया था। NBCN न्यूज के लिए अजित कुंवर के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।